Hello friends, today I'm going to make super tasty and crispy stuffed potato with cheese sandwich. सबसे पहले गरम तेल में हाफ टी स्पून जीरा डाल के 1.5 टी स्पून चॉप किया हुआ अदरक देंगे और हल्का फ्राई करके चॉप ग्रीन चिली देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। वन टेबल स्पून चॉप प्याज डालेंगे और 1 टेबल स्पून चॉप कैप्सिकम ऐड करके सब कुछ एक साथ फ्राई करेंगे 3 सेकेंड्स के लिए। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर गल जाएगा तब 1 मीडियम साइज बॉईल किया हुआ मैश पोटैटो ऐड करेंगे। अब 1/2 टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करके सब कुछ बहुत ही अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। अब चॉप किया हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और 1 स्लाइस लेमन जूस ऐड करके बहुत ही अच्छे से कुछ मिनट्स के लिए भूनेंगे। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद गैस को बंद करके इसे ठंड कर लेंगे। स्टफ्ड पोटैटो विथ चीज सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड के ऊपर ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। इस ग्रीन चटनी का रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अब कुक किया हुआ पोटैटो मिक्सचर लेके ब्रेड के ऊपर अच्छे से दे देंगे। अब आलू के ऊपर मोजरेला चीज़ दे देंगे ग्रेट किया हुआ। आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप चीज़ के ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखेंगे और ब्रेड के ऊपर टोमेटो सॉस स्प्रेड करेंगे। अब अनियन स्लाइस रखेंगे। अब टोमेटो स्लाइस रखेंगे। और आप कैप्सिकम रखेंगे। फिर से वेजिटेबल्स के ऊपर मोजरेला चीज स्प्रिंकल करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और दूसरा ब्रेड स्लाइस से इसे कवर कर देंगे।
ऊपर बटर स्प्रेड करेंगे। अब प्री हीटेड ग्रिलर के ऊपर स्टफ्ड सैंडविच को रखेंगे। दूसरे साइड में भी बटर स्प्रेड कर देंगे। अब ग्रिलर की लीड को बंद कर देंगे और चेक करते रहेंगे। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब निकल लेंगे। देखिए, आप देख सकते हो सैंडविच में बहुत ही अच्छे से नाइस कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है। अब एक प्लेट में निकल लेंगे। अब टू पीसेस में इसे काट लेंगे। देखिए, स्टफ पोटैटो विथ चीज सैंडविच इज रेडी। ये दिखने में जैसा खूबसूरत हुआ है, खाने में भी टेस्टी है और बहुत क्रिस्पी भी है। प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको सर्व कीजिएगा। सो माय स्टफ पोटैटो विथ चीज़ सैंडविच इज़ रेडी टू सर्व। प्लीज़ ट्राई दिस एट होम एंड सर्व टू ऑल। प्लीज़ शेयर माय रेसिपी इन योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर वॉच मोर वीडियोज़। And please share your comments with me in the comment section below. Thank you.